पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने अमोर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कर कई योजनाओं के निर्मित कार्यों का फीता काटकर उद्घाटन किया। जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड मुख्यालय में चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया गया और उसके बाद लाभुकों को उनके द्वारा चाबियां भी सौंपी गई। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने प्रखंड मुख्यालय में बने सामुदायिक शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं दूसरी ओर प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन में बने चार दीवारी निर्माण एवं मुख्य द्वार का भी विधिवत उनके हाथों उद्घाटन किया गया। अमोर थाना परिसर में स्टेट हाईवे 99 सड़क मार्ग PCC सड़क का शिलान्यास भी किया गया। वहीं प्रखंड मुख्यालय में बाल विकास परियोजना द्वारा बनाई गई योजनाओं से संबंधित रंगोली का भी उन्होंने मुआयना किया। उसके बाद पूर्णिया डीएम के द्वारा अमोर प्रखंड के जवारी पंचायत अंतर्गत पैक्स गोदाम का भी निरीक्षण किया गया। पूर्णिया डीएम ने इस दरमियान पंचायत सरकार भवन का भी निरीक्षण किया। पंचायत सरकार भवन में उन्होंने मुखिया प्रतिनिधि एहतेशाम से वस्तु स्थिति का जायजा लिया एवं पंचायत सरकार भवन को अपग्रेड करने के संबंध में उन्होंने कर्मियों को कई आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत चाबी का वितरण किया जा रहा है। मोर प्रखंड के झवारी पंचायत में आज निरीक्षण किया गया है। यहाँ से पंचायत सरकार भवन में जो पहले से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उसको कैसे हम लोग स्केल अप कर सकते हैं, लोक शिकायत से लेकर लोक सेवा अधिकार के अंतर्गत सभी आवेदनों को लेने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है और इसके अतिरिक्त आवास, गली नली पक्कीकरण, इन सभी योजनाओं का भी निरीक्षण पर्यवेक्षण इस पंचायत सरकार भवन के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो जवारी पैक्स है, यहाँ पे धान क्रय की भी जाँच की गई है। जवारी जो पैक्स है इसके द्वारा अभी तक 280 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जा चुकी है और पेमेंट भी अद्यतन है और किसानों से भी बातचीत हुई है, कोई शिकायत नहीं है। प्रखंड मुख्यालय में आज कुछ योजनाओं का उद्घाटन था और कुछ लाभुकों के बीच में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहनों का वितरण किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रखंड क्षेत्र के जवारी पंचायत के खुनखुनी गाँव में मनरेगा योजना के तहत बनी समेकितिक बाल विकास परियोजना का उद्घाटन स्थानीय SDO अमरेंद्र कुमार पंकज के हाथों फीता काटकर किया गया। उसके बाद SDO साहब ने केंद्र की चाबी सेविका को सुपुर्द कर दिया।